छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पुष्क्रम के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में? पुष्क्रम के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं पुष्प के बारे में, फ्लावर्स के बारे में जो है चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, पौधे में दो तंत्र होता है, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। प्ररोह तंत्र शूट सिस्टम और जड़ तंत्र रूट सिस्टम। तो कितने तंत्र होते हैं पौधे में? दो, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। तो आइए, तो पुष्प जो होता है ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी वह प्ररोह तंत्र का भाग होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसकी पत्तियां लैंगिक जनन के लिए जो होती हैं रूपांतरित होती हैं, जिसकी पत्तियां लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित होती हैं, जिन्हें पुष्पीय पत्र या प्रोटिस्ट कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं पुष्प ये जो है रूपांतरित प्ररोह है जो जनन में भाग लेता है। किसमें भाग लेते? केवल हम पुष्पीय ये पत्र को ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण पुष्प जो होता है वो जनन में जो होता है भाग लेता है। तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो जनन में जो होता भाग लेता है। अब आइए हम पुष्प का डिटेल पढ़ने से उसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिन्हें हम पुष्पीय शब्दावलियां या फ्लोरस टर्मिनोलॉजी कहते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पुष्पीय शब्दावली, फ्लोरल टर्मिनोलॉजी। आइए अब चलते हैं नंबर वन जो है एकल। एकल पुष्प क्या क्या है, यानी एकल पुष्प क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब शाखाओं पर बहुत से पौधों में अकेले पुष्प लगते हैं, जब जो है शाखाओं पर बहुत से पौधों में अकेले पुष्प होते हैं लगते हैं तो उसे एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। जब शाखाओं पर बहुत से पौधों में अकेले पुष्प लगते हैं तो उसे एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। तो उसे एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। दूसरा ये जो है एकल शीर्षस्थ, दूसरी शब्दावली है एकल शीर्षस्थ सॉलिटरी टर्मिनल। दूसरा शब्दावली क्या है? एकल शीर्षस्थ सॉलिटरी टर्मिनल। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प तने के शीर्ष पर लगते हैं या पाए जाते हैं, जब पुष्प पौधों में तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं या लगते हैं तो उसे एकल शीर्षस्थ सॉलिटरी टर्मिनल पुष्प कहते हैं। जब पौधों में पुष्प तने के शीर्ष पर जो है पाए जाते हैं लगते हैं तो उसे हम एकल शीर्षस्थ पुष्प कहते हैं। सेकंड जो है थर्ड टर्मिनोलॉजी आइए या शब्दावली आइए एकल कक्षस्थ। एकल कक्षस्थ सॉलिटरी एक्सिलरी। ध्यान दीजिए, जब पुष्प पत्तियों के कक्ष में निकलते हैं या जब पुष्प पौधों में पत्तियों के कक्ष से निकलते हैं तो उन्हें एकल कक्षस्थ पुष्प कहते हैं। जब पौधों में पुष्प पत्तियों के कक्ष से या कक्ष में निकलते हैं तो उन्हें एकल कक्षस्थ पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट शब्दावली आइए सवृंत। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तना है तो ये मान लीजिए ये पुष्प है, तो ये बायदल पुंज है, और यह मान लीजिए कि हमने जो है पुष्प बना दिया, ये पुष्प बन गया, तो ये जो है इसको डंठल कहते हैं या इसको जो है पुष्प वृंद कहते हैं, पेडसिल। क्या कहते हैं? पेडसिल। तो पुष्प जो होता है पुष्प वृंद या डंठल के द्वारा पौधे के तने या पौधे से जो होता है वो जुड़ा होता है। तो ध्यान दीजिएगा सावृंत पेडिसिलेट। ध्यान दीजिए, जब पुष्प में वृंत या डंठल होता है, जब पुष्प में पुष्प वृंत या डंठल होता है तो उसे सावृंत यानी पेडिसिलेट पुष्प कहते हैं। जब पौधों में पुष्प में पुष्प वृंत या डंठल होता है तो उसे जो है सावृंत पुष्प कहते हैं या पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आइए आवृंत पुष्प, आवृंत या सेसाई। ध्यान दीजिएगा, जब पौधों में पुष्पों में जो है पुष्प वृंत या डंठल अनुपस्थित होता है,
जब पौधों में पुष्प पुष्पवृंत या डंठल अनुपस्थित होता है तो उसे आवृत पुष्प या सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो उसे आवृत पुष्प या सेसाइल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आइए पूर्ण पुष्प। नेक्स्ट आइए पूर्ण पुष्प। आप लोग हाई स्कूल आप पहले पढ़े होंगे कि पुष्प में कई भाग होते हैं, जैसे पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, परिदल पुंज, पुमंग, जायंग। तो इसमें जो है परिदल, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंग, ये चार पार्ट जो होते हैं पौधे के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। आइए पूर्ण पुष्प के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प में सभी भाग जैसे यानी जो है बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित हो, ये चारों मुख्य भाग, जब पुष्प में ये चारों मुख्य भाग जैसे, या कह सकते हैं जब पुष्प में सभी भाग जैसे बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित होते हैं तो उसे कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प कहते हैं। जब पुष्प में जो है सभी भाग जैसे बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आइए अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट या अपूर्ण पुष्प क्या है? क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प में बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जायांग में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है, यानी चारों भागों में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जब पुष्प में बाह्यदल पुंज, दल पुंज, उमंग एवं जायांग में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है तो उसे अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आइए द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प या जो है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल पुष्प, द्विलिंगी पुष्प या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प में, ध्यान दीजिए पुष्प में नर एवं मादा मादा भाग कौन होते हैं? नर भाग को पुमंग कहते हैं, मादा भाग को जायंग कहते हैं। तो जब पुष्प में जो है नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, जब पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं या होते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जब पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग जो है होते हैं या पाए जाते हैं तो उसे जो है द्विलिंगी पुष्प, इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आइए एक लिंगी पुष्प जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प या जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प में नर या मादा केवल एक भाग होता है, दोनों भागों से, नर एवं मादा दोनों भागों से जब पुष्प में केवल एक भाग होता है, या नर होता है या मादा होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जब जो है पुष्प में नर एवं मादा दोनों में से जो है केवल एक भाग होता है, अर्थात नर होता है या मादा होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब आइए चलते हैं पुष्प की सममित के बारे में, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। पुष्प के सममित के बारे में, सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान तो ध्यान दीजिए, पुष्प में सममित जो है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। नंबर वन नियमित या त्रिज्या सममित, रेगुलर और एक्टिनोमॉर्फिक। सेकंड जो है एक व्यास सममित, जायगोमॉर्फिक। और थर्ड जो है असममित, एसिमेट्री। तो तीन सममित तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। आइए हम चलते हैं त्रिज्या सममित या जो है नियमित या त्रिज्या सममित के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लावर है। क्या है? ये फ्लावर है। आप देख रहे हैं फ्लावर को जो है यहां से भी आप जो है बीच से होकर के इसको काट सकते हैं और यहां से भी होकर इसको बीच से काट सकते हैं, यहां से होकर भी उसको आप जो है काट सकते हैं और यहां से भी होकर के उसको दो समान अर्ध भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प केंद्र से होकर, जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उत्तक तल से दो समान अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके, जैसे हमने
यहां से दो भाग कर दिया, यहां से भी दो भाग कर दिया, यहां से दो भी भाग कर दिया, यहां से भी दो भाग कर दिया। यानी जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उदक तल से दो समान अर्धभागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या सममित या नियमित सममित या त्रिज्या सममित कहते हैं। जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उदक तल से दो समान अर्धभागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। आइए दूसरा चलते हैं, एक व्यास सममित या जायगोमात्रिक। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या सममित का चित्र है और ये एक व्यास सममित का चित्र है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आप देखिएगा केवल एक लाइन ये पड़ी हुई है, इसी भाग से जो है यहाँ पर पुष्प को केवल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है अन्य भागों, क्योंकि ये दोनों पार्ट यहाँ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, अन्य भागों से इसे दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो कहने मतलब जब पुष्प को केंद्र से होकर एक ही उदक तल से दो समान अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तथा अन्य तल से जो है या अन्य स्थानों से दो समान अर्ध भागों में विभक्त नहीं किया जा सके तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। नहीं, जब पुष्प को केंद्र से होकर केवल एक ही उदक तल से दो समान अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तथा अन्य तल या स्थानों से दो समान अर्ध भागों में विभक्त नहीं किया जा सके तो उसे जो है एक व्यास सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? एक व्यास सममित कहते हैं। नेक्स्ट आइए असममित। असममित एसिमेट्री। तो असममित क्या है? जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उदग तल से दो समान अर्ध भागों में विभक्त किया नहीं जा सके तो उसे असममित कहते हैं। जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी उदग तल से दो समान अर्ध भागों में विभक्त किया नहीं जा सके तो उसे असममित कहते हैं। छात्रों, इसके पहले हमने जो है पुष्पीय शब्दावली और पुष्प के सममित के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं सपत्री एवं असपत्री पुष्प ब्रैकेट एंड ई ब्रैकेट फ्लावर्स। इसके बारे में सपत्री एवं असपत्री पुष्प ब्रैकेट एंड ई ब्रैकेट फ्लावर्स। पहले इसके पहले हम जानते हैं कि ये सपत्र क्या होते हैं, उसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहपत्र छोटी पत्ती नुमा रचनाओं के रूप में होते हैं जिनके कक्ष या अक्ष में पुष्प विकसित होते हैं तथा सहपत्र यौन जो है पुष्प के बीच छोटी सहपत्र के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें सहपत्रिकाएं या ब्रैकियोट्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सहपत्र क्या होते हैं? सहपत्र छोटी पत्ती नुमा रचनाओं के रूप में होते हैं जिनके कक्ष से पुष्प निकलते हैं या विकसित होते हैं तथा सहपत्र यौन पुष्प के बीच छोटी सहपत्र के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें सहपत्रिकाएं कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सहपत्र के आधार पर पुष्प जो है ये दो प्रकार के होते हैं। सहपत्र के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन सहपत्री पुष्प ब्रैकेट फ्लावर्स एंड सेकंड असहपत्री पुष्प ई ब्रैकेट फ्लावर्स। क्या है, कितने प्रकार पुष्प होते हैं सहपत्र के आधार? दो प्रकार के, सहपत्री पुष्प नंबर दो असहपत्री। जान लीजिए सहपत्री पुष्प क्या कहते हैं? जब पुष्प में सहपत्र उपस्थित होते हैं, जब पुष्प में सहपत्र उपस्थित होते हैं तो उसे सहपत्री पुष्प कहते हैं। सहपत्री पुष्प किसे कहते हैं? जब पुष्प में सहपत्र होते हैं या उपस्थित होते हैं तो उसे सहपत्री पुष्प कहते हैं। दूसरा असहपत्री पुष्प इन ब्रैकेट फ्लावर्स, जब पुष्प में सहपत्र उपस्थित होते हैं अर्थात सहपत्र नहीं होते हैं तो उसे असहपत्री पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पुष्प में सहपत्र अनुपस्थित होते हैं तो उसे असहपत्री पुष्प कहते हैं। आइए दूसरा चलते हैं सहपत्र के प्रकार के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सहपत्र के प्रकार के बारे में, कायस्ट्राब्रेक के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, पुष्प में सहपत्र जो होते हैं ये कुल मिलाकर के सात प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? सात प्रकार के नंबर बनाइए। पत्रवत्र या पाणी शाहपत्र लिपि ब्रैक, प्रथम है पत्रवत या पाणी शाहपत्र लिपि ब्रैक। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्पों में बड़े चपटे एवं पत्ते के समान शाहपत्र पाए जाते हैं, जब पुष्पों में बड़े चपटे एवं पत्ते के समान शाहपत्र पाए जाते हैं तो उन्हें पत्रवत शाहपत्र कहते हैं। फिर समझिए, पत्रवत या पाणी शाहपत्र क्या है? जब पुष्पों में बड़े चपटे एवं पत्ते के समान शाहपत्र पाए जाते हैं तो उन्हें पत्रवत शाहपत्र कहते हैं, एग्जाम्पल में हुरहुर। दूसरा ये दलाल शाहपत्र पेटलॉयड्स ब्रैक्स, दूसरा क्या है? दलाल शाहपत्र पेटलॉयड ब्रैक्स। ध्यान दें, जब पुष्पों में शाहपत्र रंगीन एवं आकर्षक होकर दल के समान दिखाई देते हैं, जब पुष्पों में शाहपत्र रंगीन एवं आकर्षक होकर दल के समान दिखाई देते हैं तो उन्हें दलाल शाहपत्र कहते हैं, एग्जाम्पल में बोगनविलिया। तीसरा ये सल्कवत शाहपत्र स्केली ब्रैक्स, तीसरा सल्कवत शाहपत्र स्केली ब्रैक्स। ध्यान दीजिएगा, जब शाहपत्र पतले छोटे एवं पारदर्शी होते हैं, जब शाहपत्र पतले छोटे एवं पारदर्शी होते हैं तो उन्हें सल्कवत शाहपत्र कहते हैं, एग्जाम्पल में जो है गेंदा के बिंब पुष्पक, गेंदा के बिंब पुष्पक में जो होता है शाहपत्र पतले छोटे एवं पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट आइए फोर्थ जो है निपत्र शाहपत्र स्पेस ब्रैक्स, फोर्थ निपत्र शाहपत्र स्पेस ब्रैक्स। ध्यान दीजिए, जब शाहपत्र आकार में बड़े होकर पुष्प की रक्षा करते हैं, जब शाहपत्र आकार में बड़े होकर पुष्प की रक्षा करते हैं तो उन्हें निपत्र शाहपत्र कहते हैं। जब शाहपत्र आकार में बड़े होकर पुष्पों की रक्षा करते हैं तो उन्हें निपत्र शाहपत्र कहते हैं। जैसे केला एवं मक्का, आप देखते हैं केला में मोटा मोटा लाल लाल लटका होता है जिसके नीचे उसका पुष्प होता है, उसी को जो है निपत्र शाहपत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो है फिफ्थ तुष शाहपत्र ग्रूम्स ब्रैक, नेक्स्ट जो है फिफ्थ तुष शाहपत्र ग्रूम ब्रैक। ध्यान दिया, जब पुष्पों में या पुष्पों के शाहपत्र सूखे एवं मोटे होते हैं, जब पुष्पों के शाहपत्र सूखे एवं मोटे होते हैं तो उन्हें तुष शाहपत्र कहते हैं, एग्जाम्पल में धान एवं गेहूं। नेक्स्ट आइए निचक्र, नेक्स्ट जो है सिक्स निचक्र इनवॉल्कर, जो है सिक्स निचक्र इनवॉल्कर। ध्यान दीजिएगा, जब शाहपत्र संपूर्ण पूरे या संपूर्ण या पूरे पुष्पकर्ण के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं या एक चक्र बनाते हैं, जब जो है शाहपत्र संपूर्ण या पूरे पुष्पकर्ण के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं तो उन्हें निचक्र कहते हैं। जब संपूर्ण या क्या कह सकते हैं, जब शाहपत्र संपूर्ण या पूरे पुष्पकर्ण के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं तो उन्हें निचक्र कहते हैं, एग्जाम्पल में गेंदा। लास्ट आइए अनुबायदल एपिकाइलिस, अनुबायदल या एपिकाइलिस क्या है? ध्यान, जब पुष्प में शाहपत्र एवं शाहपत्रिकाएं, जब पुष्प में शाहपत्र एवं शाहपत्रिकाएं बाह्य दलपुंज के बाहर एक चक्र के रूप में होते हैं तो उन्हें अनुबायदल कहते हैं। जब पुष्प में शाहपत्र एवं शाहपत्रिकाएं बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक चक्र के रूप में होते हैं तो उन्हें अनुबायदल कहते हैं। जैसे गुड़हल में आप देखा होगा वो नीचे पतले पतले चारों निकले होते हैं, इसी पर गुड़हल और स्ट्रॉबेरी एग्जांपल। अब आइए पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के विभिन्न भाग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के विभिन्न भाग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मुख्य रूप से पुष्प के चार भाग होते हैं, एक है प्रथम है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा कोमल और चौथा जाएं, लेकिन जो संपूर्ण भाग के कहते हैं तो पुष्प के संपूर्ण जो होते हैं ये सात भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं? सात भाग होते हैं। नंबर वन जो है पुष्पपिंड पेरिसिल, नंबर वन पुष्पपिंड पेरिसिल, सेकंड पुष्पासन थैलेमस, थर्ड बाह्य दलपुंज कैलिक्स, फोर्थ दलपुंज क्रोला, फिफ्थ पददलपुंज पेरियंथ, सिक्स कुमंग एंड्रोसियम और सेवंथ जायन गायनोसियम। कितने भाग होते हैं? सात भाग होते हैं। नंबर वन पुष्पपिंड पेरिसिल, सेकंड जो है पुष्पासन थैलेमस, थर्ड बाह्य दलपुंज कैलिक्स, फोर्थ दलपुंज क्रोला, फिफ्थ पददलपुंज पेरियंथ, सिक्स्थ कुमंग एंड्रोसियम और सेवंथ जायन गायनोसियम। अब आइए
पुष्पवृत्त देखते हैं, पेड़शिर क्या है, पुष्पवृत्त क्या है, पेड़शिर क्या है, ध्यान देगा। पुष्पवृत्त जिस डंठल के द्वारा आप देखते हैं, जब पुष्प तोड़ते हैं तो पतला भाग होता है जो तने से या पौधे जुड़ा होता है। पुष्प जिस डंठल के द्वारा तने या शाखा से जुड़ा होता है, पुष्प जिस डंठल के द्वारा पौधे के तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवृत्त। इसके पहले हमने बताया था पुष्पवृत्त के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, सावृत और आवृत। सावृत और आवृत, जिसमें वृत्त होते हैं पुष्पवृत्त होता है उसको सावृत पुष्प कहते हैं, और जिसमें पुष्पवृत्त अनुपस्थित होता है उसे आवृत पुष्प कहते हैं। सेकंड जो है पुष्पासन, थाइलमस। ध्यान दीजिएगा, पुष्पासन जो होता है पुष्पवृत्त का अग्र फूला हुआ भाग होता है। पुष्पासन जो होता है पुष्पवृत्त का अग्र फूला हुआ भाग होता है, जिसके ऊपर जो है, जिसके लिखा गया है, जिसके ऊपर पुष्प के अनुभाग लगे होते हैं। तो पुष्पासन क्या है? पुष्पासन जो होता है पुष्पवृत्त का अग्र फूला हुआ भाग होता है, जिसके ऊपर पुष्प के अनुभाग जो होते लगे होते हैं। छात्रों, इसके पहले हम सापत्री एवं असापत्री पुष्प तथा पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसमें हमने पुष्पवृत्त और पुष्पासन के बारे में चर्चा किया था। और अब चलिए हम जो है पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन, यानी पुष्प पत्र कैसे पुष्पासन पर लगे होते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस, इसके बारे में चर्चा कर लें। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन, ध्यान दीजिएगा, पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नंबर वन अधोजाय हाइपोगाइनस, सेकंड पर जाय पेरिगाइनस, और थर्ड ऊपर जाय इपिगाइनस। तो कितने प्रकार का ये निवेशन होता है? तीन प्रकार का, अधोजाय, पर जाय, ऊपर जाय। आइए चलते हैं नंबर वन अधोजाय पोजीशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प के अन्य अंग पुष्पासन के, जब पुष्प के पुष्पासन तो उसका अंग ही है, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के नीचे से निकलते हैं तब पुष्प को अधोजाय कहा जाता है। जब पुष्प के अन्य अंग जो है जायांग के नीचे से निकलते हैं तब पुष्प को जो होता है या उस पुष्प को अधोजाय हाइपोगाइनस कहते हैं। सेकंड आइए परजाय पेरिगाइनस, परजाय पेरिगाइनस। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के बराबर से निकलते हैं, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के बराबर से निकलते हैं तब उस पुष्प को परजाय कहते हैं। जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के बराबर से निकलते हैं तब पुष्प को जो है परजाय कहते हैं। थर्ड आइए जो है ऊपर जाए इपिगाइनस, इपिगाइनस पोजीशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के ऊपर से निकलते हैं, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के ऊपर से निकलते हैं तब उस पुष्प को जो है ऊपर जाय कहते हैं। जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के ऊपर से निकलते हैं तब उस पुष्प को ऊपर जाय कहते हैं। फिर से आइए नंबर वन अधोजाय, ध्यान दीजिए अधोजाय क्या है? जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के नीचे से निकलते हैं तब पुष्प को जो है अधोजाय कहते हैं। सेकंड पर जाय, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के बराबर से निकलते हैं तब उस पुष्प को जो है परजाय कहते हैं। और थर्ड, जब पुष्प के अन्य अंग जायांग के ऊपर से निकलते हैं तब उस पुष्प को ऊपरजाय कहते हैं। आइए अब चलते हैं बाह्यदलपुंज के बारे में चर्चा करने, किसके बारे में? बाह्यदलपुंज कैलिक्स के बारे में चर्चा करने। ध्यान देंगे आप, जैसे ये मान लेते हैं, ये मान लेती है गुड़हल का पुष्प है और तो ऐसे पुष्प आप देते हैं बाहर की ओर, और ये मान लेते हैं कि गुड़हल का पुष्प है, ये मान लेते हैं गुड़हल का पुष्प है, तो ये पुष्प वृंत हो गया पेड़शिर,
क्या हो गया, पेडसिल। और ये जो पार्ट है ये नीचे वाला, ये कैलिक्स है, क्या है, क्रोला है। तो आप देखेंगे पुष्पों में नीचे की ओर हरे रंग के पंखुड़ियों का समूह होता है। पुष्पों में नीचे की ओर जो है हरे रंग के पंखुड़ियों का समूह होता, चक्र होता है, जिसे हम बायदलपुंज कहते हैं। कहने मतलब बायदलपुंज जो होता है ये पुष्प में बाहर सबसे नीचे नीचे की ओर हरे पंखुड़ियों या इकाइयों के एक चक्र के रूप में होता है। बायदलपुंज जो है पुष्प में बाहर सबसे नीचे की ओर हरे पंखुड़ियों के या इकाइयों के एक चक्र के रूप में होता है। इसके प्रत्येक इकाई या पंखुड़ी को बायदल कहते हैं। इसके प्रत्येक इकाई या पंखुड़ी को बायदल कहते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, कभी कभी ये दलाव होते, दलाव माने कभी कभी ये जो होते हैं रंगीन हो जाते हैं। कभी कभी जो है ये बायदल जो होते हैं रंगीन हो जाते हैं। तो उस समय जो होता है दलों को जो है दलाव कहा जाता है, या बायदल को दलाव पेटुआ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें बायदलपुंज में सभी दल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं तो बायदलपुंज को संयुक्त बायदली गैमोसेपलस कहते हैं। और यदि बायदल जो होते हैं आपस में जो है एक दूसरे से पृथक होते, जुड़े नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे जो है बायदलपुंज को पृथक जली पॉलीसेप्लस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायदल में पंखुड़ियों या इकाइयों की संख्या जो है, या बायदलों की संख्या जो होती है, 4 से 7 तक होती है। कितनी होती है, 4 से 7। फिर से समझिए, बायदलपुंज जो होता है ये पुष्प में सबसे बाहर नीचे की ओर हरे रंग की पंखुड़ियों या इकाइयों के रूप में होता है। इसके प्रत्येक पंखुड़ी या हरे रंग की इकाई को बायदल सेपल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है बायदल जो होते हैं हरे रंग में जो है ये रंगीन हो जाते हैं, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों में चेंज हो जाते हैं, तब जो होता है बायदल जो होता है बायदलपुंज दलाव पेट्रोइड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है बायदल या जो है हरे रंग की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं तो बायदल को संयुक्त बायदली गैमोसेपलस कहते हैं। यदि बायदल के सभी जो है, यदि बायदल पुंज के सभी पंखुड़ियां या बायदल एक दूसरे से पृथक होते हैं तब जो है बायदल पुंज को पृथक दली या गैमोसेपलस कहते हैं। इसमें जो है बायदल पुंज में बायदलों की संख्या या जो है पंखुड़ियों की संख्या 4 से 7 तक होती है। कितनी होती है, 4 से 7 तक। अब आइए चलते हैं बायदलपुंज के आकृति के बारे में। बायदलपुंज के आकृति के बारे में फार्म आप कैलिक्स के, या कह सकते हैं बायदलपुंज के रूप के बारे में, या बायदलपुंज की आकृति के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसकी आकृति जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5, या कह सकते हैं इसके 5 रूप होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र, अगर ये अलग अलग होते हैं तो ये एग्जाम्पल में सरसों है। दूसरा नलिकावत ट्यूबुलर, धतूरे में ये नलिका के समान होते हैं। तीसरा घंटाकार, यानी घंटे के आकार के बेल शेप्ड कंपाइनमेंट। गुड़हल में आप देखिए, अगर हरे रंग का जो है नीले लाल रंग की पंखुड़ियां निकालिए गुड़हल में, तो वो जो है जो बायदल होता है एक घंटे के आकार में दिखाई देता है। चौथा जो है दलपुटी या कलशाकार, ये खुरासान अजवाइन में होता है। और पांचवा द्विओष्ठीय बाला विगट ल्यूपिस में होता है। तो ये जो है कितने इसके रूप होते हैं, 5। नंबर 1 स्वतंत्र ये सरसों में, दूसरा जो है नलिकावत धतूरा में, तीसरा जो है घंटाकार कंपाइबल शेप या कंपाइनोड गुड़हल में, चौथा जो है दलपुटी या कलशाकार खुरासाइन अजवाइन में, और पांचवा द्विओष्ठीय जो है ल्यूकस में। अब आइए चलते हैं बायदलपुंज के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, किसके बारे में चर्चा करने। बायदलपुंज के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, बायदलपुंज जो है ये 5 रूपों में रूपांतरित होता है। कितने रूपों में, 5 रूपों में, जिसमें नंबर 1 है पर्णवत, इसको पत्रवत कहते थे लीफी। सेकंड है बायदलरोम पाइपस। थर्ड जो है सूली माने कांटे स्पाइनस। और चौथा दलपुटिये स्पर। और पांचवा छज्जाकार हुडे। तो कितने रूपों में रूपांतरित होता है, 5 रूपों में ये जो है रूपांतरित होता है। जिसमें अब आइए नंबर 1 चलते हैं, ये जो है पर्णवत या पत्रवत लीफी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस प्रकार के जो है बायदलपुंज में जो है इसमें पुष्प में
बादल पुंज की एक पंखुड़ी या कह सकते हैं एक बादल बड़ा होकर पत्ते के समान हो जाता है, जिससे जो है यह हम तो उसको पत्रवत कहते हैं। इसमें जो है पुष्प में बादल पुंज में जो है एक बादल जो होता है या एक इकाई बड़ी होकर के पत्ते के समान जो है हो जाती है, जामुन मुसेंडा में जो है। दूसरा बादल, ध्यान दीजिएगा, इसमें बादल पुंज में जो है जो बादल होते हैं पतले पतले रोमों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें बादल पुंज में जो है बादल जो होते हैं पतले पतले रोमों परिवर्तित हो जाते हैं। जामुन सूरजमुखी, अगर सूरजमुखी को आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा फूल में तो पतले पतले रोम सदृश उसमें जो होते हैं बादल पुंज होता है। नेक्स्ट आइए सूली या कांटा कह सकते हैं, कांटे के रूप में स्पाइनस। आप सिंघाड़ा देखें, सिंघाड़ा खाते उसमें कांटा होता है तो जो है बादल का रूप है। ध्यान दीजिएगा इसमें बादल दो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सूली में बादल पुंज दो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाए, जामुन सिंघाड़ा ट्रापर। और चौथा जो है दलपुटिये स्पर्ड, इसमें जो है बादल के आधार से जो है एक नली के समान पर्वत निकलती है जिसे स्पर्ट कहते हैं। इसमें जो है बादल के आधार से एक नली के समान पर्वत निकलते हैं जिसे स्पर्ट कहते हैं। खास करके ये लार्कस पर जो है पौधा होता है उसमें जो है पाया जाता है। लास्ट जो है छज्जाकार हुडे, इसमें इस प्रकार के बादल के रूपांतरण में इसमें बादल वृद्ध करके एक छज्जे जैसी रचना बना लेता है। इसमें बादल वृद्ध करके एक छज्जे जैसी रचना बना लेता है, एग्जाम्पल में अतीश, एगोनिटम। तो बादल कितने रूपों में रूपांतरित होता है? ये पांच रूपों में रूपांतरित होता है। पत्रवत, इसमें पुष्प में एक बादल बड़ा होकर पत्ते के समान हो जाता है, एग्जाम्पल मुसेंडा। दूसरा बादल रोम, इसमें बादल पुंज के जो बादल होते हैं वो पतले पतले रोम परिवर्तित, एग्जाम्पल में सूरजमुखी। तीसरा जो है सूली यानी कांटा, इसमें बादल दो कांटों के रूप में रूपांतरित होता है, एग्जाम्पल सिंघाड़ा। और चौथा दलपुटिये, इसमें बादल के आधार से एक नली के समान पर्वत निकलते जिसे हम जो है दलपुटिये कहते हैं, एग्जाम्पल लार्कस्पस। और जो है पांचवा छज्जाकार हुडेड, इसमें बादल वृद्ध करके एक छज्जे जैसी रचना बना लेता है, एग्जाम्पल में अतीश। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके बाद आगे इसके अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे।